हेलो फ्रेंड्स, इजी निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 4 के मल्टीपल में फंदे लेके और 3 फंदे प्लस करेंगे तो हमारा डिजाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ये डिजाइन हमारा फर्स्ट रो से ही बनना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस रो को पूरी को उल्टा बनाएंगे। इस रो को पूरी को उल्टा बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन और बनने के बाद बहुत ही प्यारा पैटर्न बन के आता है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता है। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी उल्टी बने। लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बना देंगे। अब आएंगे सेकंड रो पर। सेकंड रो को फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बना देंगे। इसको आप टू कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना तो बहुत ही ईजी है। बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, किसी में भी डालिए आप, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। ये हमारी सेकंड रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ गए हम सीधी तरफ थर्ड रो पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमने अपना सेकंड कलर लगाना है। तो ये पहले 3 फंदे हैं, इनको हम स्लिप कर लेंगे, ऐसे ही बगैर बुने उतार लेंगे। और अब ये जो चौथा फंदा है, इस फंदे पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो इस फंदे के हम यहाँ नीडल नहीं डालेंगे, इसके साइड में डालेंगे, ऐसे साइड में नीडल डालते हुए यहाँ पे हम अपना सेकंड कलर लगा लेंगे। अब इस फंदे को उतारेंगे नहीं, इसको एक बार पीछे से बुन देंगे, ऐसे इसको एक बार पीछे की तरफ से बुन देंगे। फिर धागा ऐसे लपेटेंगे और एक बार फिर पीछे की तरफ से फिर से बुन देंगे। ऐसे एक फंदे से हमारे यहाँ पे 4 फंदे बन गए। फिर से हम ऐसे ही 3 फंदे स्लिप करेंगे, इस फंदे को ऐसे दबा लेंगे ताकि ये हमारा निकलेगा नहीं। अब फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे साइड में से। ये फंदा है हमारा, इस फंदे के आगे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा बुन लेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे नहीं, यहाँ से एक बार फिर बुन लेंगे। 2 बार धागा घुमा दिया, 3 बार, एक बार फिर पीछे से बुनेंगे। तो हमारे एक फंदे से 4 फंदे बन गए। फिर से 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3। अब फिर ये चौथा फंदा है जो, इसके साइड से सिलाई डालेंगे, ऐसे एक फंदा बुन लेंगे। फिर उतारेंगे नहीं, इसको बैक लूप से पीछे की साइड से ऐसे फिर बुनेंगे। फिर एक बार धागा घुमाएंगे, एक बार पीछे की तरफ से फिर से बुन लेंगे। ये एक फंदे से हमारे यहाँ पे 4 फंदे बन गए। फिर से ये 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। सेकंड रो पर देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हैं, इनको फिर से स्लिप कर लेंगे ऐसे ही, और इस धागे को हम पीछे की तरफ ले लेंगे। और जो ये 4 फंदे हैं, इनका 4 का एक सीधा फंदा बना देंगे ऐसे। यहाँ से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे, 1, 2, 3। धागे को फिर पीछे करेंगे। अब फिर जो ये 4 फंदे हैं, इनमें नीडल डालेंगे, इनको थोड़ा सा लूज करेंगे और ये 4 का एक बना देंगे ऐसे।
फिर फंदे को अपनी तरफ करेंगे, धागे को फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, दो तीन, फिर धागे को पीछे करेंगे और फिर से इन चार फंदे को लूज करेंगे जो एक से चार बुने थे, इनका चार का एक बना देंगे फिर से यहाँ पे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे फिर स्लिप करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ चौथी सिलाई पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान डिजाइन है। अब ये फंदा हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे एच स्टिच है। अब जो ये फंदा है हमारा, इसको हम यहाँ से नहीं बुनेंगे, इसको इसके नीचे वाले होल में से यहाँ से सीधा फंदा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को फिर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फंदा है, इसके यहाँ से नहीं बुनेंगे, इसके नीचे वाले होल में से सीधा फंदा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। जो तीन फंदे हमारे ये प्राइमरी कलर के हैं, जो बीच में है, इसको हम नीचे की तरफ से यहाँ से नीचे वाले होल में से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये बीच वाला फंदा है, इसके नीचे वाले होल में से सीधा फंदा बुन देंगे, लास्ट का फंदा है इसको भी सीधा बुनेंगे एच स्टिच है। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में फिर से इस पूरी रो को हम उल्टा ही बुन देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, आप इसको बची खुची ऊन से भी बना सकते हो, जो थोड़े थोड़े बच जाती हैं उसमें डिजाइन डालते हुए बहुत प्यारा डिजाइन बन के आएगा, और बनाना तो बहुत ही आसान है। इसको पूरी को उल्टा बनाएंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब आ गए सीधी तरफ, सीधी तरफ फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, छह सिलाइयों में बन के कंप्लीट हो जाता है, और बनने के बाद बहुत प्यारा डिजाइन बन के आता है। जितना पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा उतना ही डिजाइन अच्छा बनता जाएगा। लास्ट का फंदा सीधा, अब फिर बैक साइड में फिर से इस रो को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, पूरी रो को उल्टा बना देंगे। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप डालिए, उसी में ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। सिर्फ उल्टी सीधी सिलाइयों में ही डिजाइन बन जाता है। अब फिर आ गए हम सीधी तरफ, अब फिर से हम सेकेंडरी कलर लगाएंगे। ये हमारी यहाँ पे छह सिलाई कंप्लीट हुई, दूसरी बार फिर डिजाइन एक बार फिर से बना के दिखा देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये तीन फंदे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, जो ये चौथा फंदा है इसके फिर से साइड में से ऐसे धागा लेंगे और फंदा बुन देंगे, एक फंदा पीछे की साइड से बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे और एक बार फिर से बुन देंगे ऐसे, फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से इस चौथे फंदे के साइड में से ऐसे नीडल डालेंगे और सीधा फंदा बुन देंगे, एक फंदा पीछे की साइड से बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा फिर से पीछे की साइड से बुन देंगे। तो एक से हमारे यहाँ पे चार फंदे बन जाएंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से चौथा फंदा है जो इसके साइड से फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा पीछे से बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और फिर से एक फंदा बुन लेंगे, फिर
फिर से ये तीन फंदे स्लिप करेंगे। ये दूसरी बार डिजाइन स्टार्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बार बार इन्हीं छह सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ऐसे बन के आएगा और बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।